हम गन्ना विकास परिषद और किला डाली गाँव शामली में है। हमारे यहाँ पे एक किसान है जो गन्ना किसान से संपर्क करते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन करते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम विनोद सैनी है, गाँव कुशावली तहसील सरकार जिला। आपने ये गन्ना की कितने दूरी पर बुआई की है? गन्ने की जो बुआई है ये 5 फीट पे लाइन टू लाइन। अच्छा, इसके मध्य में आपने ये मध्य में जो है मसूर की फसल है। अच्छा, तो इससे आप क्या फायदा मिलेगा सह फसल से? सह फसल से हमें ये फायदा मिलेगा कि जो खर्चा है लगभग गन्ने का वो हम इस सह फसल से निकाल लेते हैं। दूसरा ये है कि हमें दाल के लिए मंडी में नहीं जाना पड़ेगा, घर की दाल होगी बिना दवाई के होगी, बिना किसी लागत के होगी, और उसकी जितनी भी प्रोडक्शन होगी हमें ये मान के चलते हैं कि लगभग 1 क्विंटल के करीब जो है इसमें मसूर निकल जाएगी। तो 1 क्विंटल मान के चलिए कि 70 रुपये किलो के हिसाब से लगाएं तो 70 रुपये किलो के हिसाब से 7000 रुपये बिघा हो गई हमारी, तो गन्ने की लागत इससे निकल जाती है। अच्छा, ये आपने जो गन्ना बोया है ये शरदकालीन गन्ना की बुआई है? हाँ, ये हमने सितंबर में 21 सितंबर को इसकी बुआई करी थी। तो शरदकालीन गन्ना के साथ आपने मसूर लगाई है, आपका ये कहना है कि जो मसूर से आमदनी होगी उससे हमारी गन्ना खेती की लागत निकल आएगी? जी जी। मसूर के साथ मैं इधर देख पा रहा हूँ आपका एक प्लाट, ये इसी के एकदम बिल्कुल सटा हुआ है। जी जी। ये चना इसमें आपने बोया है, तो चना की भी आपने बुवाई की है और मसूर की भी बुवाई की है। जी जी। तो चने का कितना प्रति है बीघा लगभग आपका आ जाएगा आमदनी? देखो, चने की खेती भी हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं, तो पिछले साल का अनुभव ये रहा कि हमारा लगभग 1 से 1.5 क्विंटल के बीच निकला, लेकिन उससे पहले की बात करें तो 2 क्विंटल तक की चना जो है 1 बीघे में हमने लिया है गन्ना के साथ। गन्ने के साथ तो इसका भी यही मकसद है कि एक तो अपना जो घर की मुर्गी दाल बराबर भाई घर का चना होगा तो उससे हम हर चीज जो है खा सकते हैं, बेसन भी बना सकते हैं, दाल भी बना सकते हैं, और गन्ने का जो खर्चा है वो हमारा आपका जो है इससे निकल रहा है, चने से जो गन्ने का खर्चा आ रहा है। दूसरा ये है कि शरदकालीन हम बुआई कर रहे हैं तो लोगों का ये मानना है कि हमारी एक फसल मर जाती है, लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर शरदकालीन के साथ में सह फसल हम ले रहे हैं तो खर्चा तो आपका निकल गया सह फसल से, जो आपकी इसमें उत्पादन बढ़ोतरी हुई वो एक्स्ट्रा है। मतलब और दलहन के साथ इसके उत्पादन पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता होगा? पड़ता है साहब, पड़ता है। अच्छा, इसकी आप इसका विपणन कहाँ करते हैं, मतलब कैसे मार्केटिंग करते हैं इसकी? विपणन तो ये है कि चना इतना तो होता नहीं है कि भाई हमें मंडी में ले जाना पड़े, अपनी आवश्यकता अनुसार हम बोते हैं और जो बच जाता है वो हमारे यहाँ से ही उठ जाता है, अपने फार्म से ही जो है जो किसान जागरूक है इससे लेके चले जाते हैं। ये जो शासन की मंशा है कि कृषकों की आय दोगुनी की जाए उसमें ये सह फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत जो सह फसल लेने का जो प्रणाली है वो सहायक सिद्ध होगी? आप अन्य किसानों को भी इसकी प्रेरणा दे रहे हैं? नहीं, एक्चुअली हम लोगों का उद्देश्य ही ये है कि हम नई तकनीकी लाएं जिससे अपना विकास हो, अपने क्षेत्र का विकास हो, और किसान उस तकनीकी को हमारे ऊपर प्रैक्टिकल मान के खुद अडेप्ट करें, खुद स्वीकार करें।